Vision, your voice. नमस्कार आदाब सश्री आप सुन रहे हैं वन ऑट टू पॉइंट सिक्स एफ एम रेनबो पर कार्यक्रम एयर नेक्स्ट। मैं साक्षी आपकी होस्ट जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद हूँ आज हम नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन बात करने से पहले आइये मैं आपको मिलवाती हूँ अपने साथियों से हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ मेरी हॉबीज हैं डांसिंग एंड बुक रीडिंग मुझे संस्कृत डिबेट्स करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने उसमें बहुत से पुरस्कार भी जीते हैं हेलो एवरीवन मेरा नाम अक्षता शर्मा है मैं नोएडा से हूँ और थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ कॉलेज मेरी हॉबीज सिंगिंग और पेंटिंग हेलो दोस्तों माय नेम इज़ शुचिता विज और मैं बी प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ मुझे संगीत सुनना और घूमने फिरने का बहुत शौक है इसके साथ साथ मुझे साइकिलिंग और मूवीज देखना भी बहुत अच्छा लगता है हेलो एवरीवन मेरा नाम है रितिका और मैं जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं थर्ड ईयर से हूँ संस्कृत ऑनर्स मेरा जो है वो सब्जेक्ट है मुझे म्यूजिक में बेहद रुचि है और साथ ही साथ मैं गिटार प्लेयर भी हूँ मुझे स्केचिंग करना और संस्कृत साहित्य से संबंधित किताबें पढ़ना बेहद पसंद है तो चलिए दोस्तों ये था मेरे दोस्तों का एक छोटा सा परिचय अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मुझे अपने फ्री टाइम में गार्डनिंग और बुक रीडिंग करना काफी पसंद है और मैं अपने कॉलेज की वेस्टर्न डांस सोसाइटी की भी एक मेंबर हूँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं नारी सशक्तिकरण के विषय में बात करने के लिए और रितिका यहाँ मैं आपसे नारी सशक्तिकरण के विषय में आपके विचार जानना चाहूंगी अक्सर इस विषय पर बात होती रहती है पर क्या कोई जानता है कि इसका सटीक मतलब क्या है तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते है नारी को सशक्त बनाना ही नारी सशक्तिकरण कहलाता है सशक्त का मतलब यहाँ महिलाओं को हर तरह से पावरफुल बनाना है महिलाएं पावरफुल है मगर क्या खुद उन्हें इसका एहसास है क्या समाज उनकी शक्ति को मानता पहचानता या स्वीकारता है ये बड़ा जरूरी है बहुत से ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं यहाँ जो महिलाओं ने अपने शक्तिशाली और प्रतिभाशाली होने का लोहा सभी से मनवाया है जैसे सरोजिनी नायडू सावित्री बाई फुले मदर टेरेसा इंदिरा गांधी लता मंगेशकर ऐसे बहुत से उदाहरण यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काफी काम किया और अपने नाम का परचम लहराया बिल्कुल ठीक कहा रितिका तुमने इन महिलाओं ने जितना काम किया वो आज भी बहुत सी महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है तो चलिए अब हम गरिमा से जानना चाहेंगे कि गरिमा तुम्हें क्यों लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट आज के टाइम में इतना जरूरी है ये बहुत जरूरी है साक्षी महिलाएं अगर मजबूत नहीं होंगी कमजोर होंगी तो समाज कमजोर हो जाएगा अगर वो शक्तिशाली होंगी तो अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद ले पाएंगी परिवार और समाज में स्वाभिमान से रह पाएंगी सोसाइटी में अपने अधिकारों को जान पाएंगी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है महिलाओं का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना महिलाओं का इमोशनली फाइनेंशियली सोशली फिजिकली आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है अगर महिलाएं आत्मनिर्भर हैं तो कोई उनका शोषण नहीं कर सकता है जैसा कि लोग कहते हैं कि लड़कियां इमोशनली वीक होती हैं, जरा जरा सी बात पर रो देती हैं। लड़की है क्या करेगी ये पुरानी बातें हैं आज की नारी बहुत मजबूत है हारती नहीं पूरे परिवार की बैकबोन बनकर खड़ी होती है इसलिए नारी को कमजोर मानना गलत है आज महिलाएं फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। पैसों के लिए उन्हें अपने पिता या पति पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है वे अपना खर्चा खुद उठा सकती हैं, अपने बच्चों का पालन खुद कर सकती हैं। कितनी सिंगल पेरेंट ऐसा कर रही हैं? उन्हें किसी के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है नारी शक्ति का दूसरा नाम है समाज में भी महिलाओं ने अपनी पहचान बना ली है किसी की बेटी पत्नी माँ के अलावा भी वो कुछ है उसका अपना अलग अस्तित्व है उसकी अलग पहचान है वो डॉक्टर है वो इंजीनियर है एक कंपनी की सीईओ है वो देश की नेता है वो राजनीति में अपना मुख्य स्थान रखती है जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी दिल्ली की भूतपूर्व सीएम श्रीमती शीला दीक्षित और वर्तमान के भी कुछ एग्जाम्पल्स लें तो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन महोदया इन सभी ने अपनी अलग पहचान बनाई लेकिन आज भी कुछ लोग उन्हें पुरुषों से कम समझते हैं आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। शहरों में तो लगभग हर महिला कामकाजी है घर परिवार के साथ ऑफिस भी संभालती है अगर वीरता और साहस की बात करें तो उसमें भी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो हम सबने ही सुना है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध के मैदान में किया था आज महिलाएं आईपीएस ऑफिसर बनती हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करती हैं, फिजिकली हर महिला को सशक्त होना चाहिए कि कोई उन पर अत्याचार ना कर पाए बड़े दुख की बात है डोमेस्टिक वायलेंस आज भी होता है यदि नारी फिजिकली स्ट्रांग हो तो कोई उस पर हाथ उठाने या बदतमीजी करने से पहले सौ बार सोचेगा आज की औरत अबला नहीं सबला है कितनी अच्छी बातें कही है गरिमा तुमने यह सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना कि यदि महिलाएं होंगी तो अपने साथ एक नहीं बल्कि दो परिवारों को संभाल पाएंगी और आपने यह बात तो सुनी ही होगी यदि एक लड़की पढ़ेगी तो वह एक नहीं दो परिवारों को शिक्षित करेगी लेकिन हमें इसकी लिमिटेशंस भी कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। तो आइए अक्षिता से जानते हैं कि वह इस बारे में क्या कहना चाहेंगी तुमने बिल्कुल ठीक कहा साक्षी आज भी कुछ जगहों पर लड़कियों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है ये सोचकर कि कल को तो इसकी शादी ही होनी है तो उन्हें पढ़ा लिखा कर उनमें पैसे क्यों इन्वेस्ट करने समाज के कुछ लोगों की सोच अभी भी ऐसी है कि हमेशा एक घर में एक मैन ऑफ द हाउस होता है वो परिवार का मुखिया होता है और सारे फैसले घर के वही लेता है अपने खुद के घरों में लड़कियों को डिसीजन मेकिंग की पावर तक नहीं मिल पाती दूसरों की छोड़ो वो तो कई बार अपनी खुद की ज़िंदगी के फैसले भी खुद नहीं कर पाती अपनी बात और अपना टैलेंट कई बार वो सबके सामने खुलकर नहीं रख पाती उन्हें मौका नहीं मिलता इसलिए वो अपने आप को प्रूफ भी नहीं कर पाती जस्ट बिकॉज कि वो लड़की हैं उनका जेंडर ही उनकी आइडेंटिटी बन जाती है कई ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ लड़कियों को जॉब करना पैसे कमाना या खुद का स्टार्टअप खोलना बुरा माना जाता है और अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि तुम्हें क्या जरूरत है कमाने की आज भी कई जगह लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि तुम लड़की हो तुम्हें तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा बचपन से लड़कियों को चुप रहना धीरे बोलना सही तरीके से बैठना और सहना भी सिखाया जाता है और बात बात पर यह बोला जाता है कि कल को इसकी शादी हो जानी है अगर एक लड़की की अपने भाई से लड़ाई हो जाए तो उसके भाई को ये कहकर रोका जाता है कि ये तो कुछ ही दिन के मेहमान है कल को चली जाएगी जैसे कि उसका ये घर ही ना हो और ससुराल में भी वो उसका घर नहीं जताया जाता बल्कि उसके पति सास या ससुर का घर माना जाता है तो एक्चुअली लड़की का घर हुआ कौन सा ससुराल या मायका एक्चुअल में तो वो कहीं की भी नहीं है उसे दबा दिया जाता है ताकि वो अपनी आवाज ना उठाए और अपना अधिकार भी ना मांगे इसलिए उसको अवेयर भी नहीं होने दिया जाता जो घर उसका है भी नहीं उस घर की चार दीवार में वो कैद होकर रह जाती है आपने बिल्कुल ठीक कहा अक्षता लेकिन महिलाओं को लेकर उनकी प्रगति को लेकर इतने सारी बाधाएं हैं तो इसका कोई सलूशन तो होगा तुमने बिल्कुल ठीक कहा अक्षता नारी सशक्तिकरण को लेकर बाधाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन हर प्रॉब्लम का एक ना एक सलूशन तो होता ही है पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट योर योर विजन वॉइस। वेलकम बैक टू प्रोग्राम एयर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं की और अब तक हमने सुना कि किस प्रकार लड़कियों को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन कहा जाता है ना हर मुश्किल का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है और इस समाधान के बारे में हम सुचिता से थोड़ा जानना चाहेंगे बिल्कुल सही कहा साक्षी संविधान निर्माताओं और गवर्नमेंट के द्वारा कई कदम लिए गए हैं जिससे महिलाएं सशक्त बन सकें। भारत का संविधान जेंडर में कोई फर्क नहीं करता स्टेट गवर्नमेंट ऐसी योजनाएं व नीतियाँ बना सकती है जिससे महिलाओं को आगे आने का अवसर मिल सके अब बात करें स्कीम्स की तो केंद्रीय सरकार की कई योजनाएं हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट पर आधारित हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने इसके बहुत से पोस्टर देखे होंगे गाड़ियों के पीछे लिखा भी होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसमें देश की हर एक लड़की को शिक्षित करने के लिए जरूरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। विशेष रूप से दूर दराज इलाकों में जहाँ लड़कियों की एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती सरकार उन्हें पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देती है यही नहीं फ्री बुक्स यूनिफॉर्म खाना सभी प्रोवाइड करती है इस स्कीम से काफी लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिला है और वो आगे आई हैं। आपने लाडली योजना के बारे में सुना ही होगा इस स्कीम से कन्या भ्रूण हत्या में भी काफी गिरावट आई है महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता भी बहुत जरूरी है इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना शुरू की है 2017 में शुरू की गई ये योजना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार स्किल डेवलपमेंट न्यूट्रिशन हाइजीन के साथ साथ डिजिटल लिटरेसी भी प्रोवाइड करती है मोर ओवर महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक और योजना शुरू की गई है महिलाए हाथ डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ये योजना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रशिक्षित करती है उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के निर्माण और मार्केटिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज सिखाती है इससे महिलाओं के काम करने के तरीके में बहुत बदलाव आए हैं यही नहीं गवर्नमेंट ने वर्किंग वुमेन के लिए सेफ अकोमोडेशन और डे केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम शुरू की है इसमें गवर्नमेंट न्यू हॉस्टल बिल्डिंग्स प्रोवाइड करती है जिसमें सिंगल मैरिड डिवोर्स सेपरेटेड सभी औरतें निडर होकर रह सकती हैं। इसका लाभ बहुत सी महिलाएं उठा रही हैं। महिलाएं अब बेसहारा नहीं आत्मनिर्भर बन रही हैं। एट लास्ट मैं यही कहूंगी जब है नारी में शक्ति सारी तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी बहुत सुंदर सुचिता तुम्हारी बात सुनकर तसली मिली लगा सरकार कितना कुछ कर रही है आज के समय में लड़कियां लाडली योजना आदि स्कीम्स का फायदा उठा रही हैं अब हम साक्षी से जानेंगे कि वे वुमेन एम्पावरमेंट के विषय में क्या सोचती हैं मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है इक्वलिटी एंड टू बिल्ड देम एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स मैंने अभी तक यही एक्सपीरियंस किया है की कि इतने सारे प्रोटेस्ट एंड इवन गवर्नमेंट इनिशियेटिव के बाद भी कई जगह पर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है और अगर हम चाहते हैं कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले तो हमें शुरुआत अपने घर से करनी होगी क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट के स्कीम्स बना देने से या कुछ एक संस्थाओं के एफर्ट्स से सिचुएशन को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता है इन स्कीम्स का फेयरली एग्जीक्यूशन तभी होगा जब हर एक इंडिविजुअल हर एक नागरिक अपनी भागीदारी निभाने की पहल करेगा और इसी में एक महत्वपूर्ण और अहम कदम है लोगों की सोच में बदलाव लाना जितना जरूरी एक नारी के लिए शिक्षित होना है उतना ही जरूरी है समाज का उसे समर्थ और सक्षम मानना हम अक्सर सुनते हैं कि लड़कियों को पढ़ाइए लिखाइए उसे इंडिपेंडेंट बनाइए पर क्या इस सब के बाद भी उन्हें समाज में वो रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिल पाता है जिसे वो डिजर्व करती है कई बार तो मैंने वेल एजुकेटेड एंड सेल्फ सफिशियंट लड़कियों को भी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते देखा है इसलिए वुमेन इसलिएमेंट के लिए वुमेन एजुकेशन जितना ही जरूरी है पूरे समाज का ये एक्सेप्ट करना कि लड़कियां भी लड़कों जितनी ही केपेबल है डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जो कहने को तो छोटी सी है पर इससे हमें समाज की मेंटेलिटी का पता चलता है हमने अक्सर लोगों को लड़कियों की ड्राइविंग स्किल्स के बारे में मजाक करते सुना होगा क्या वो लोग ये चीज भूल गए हैं कि लड़कियां आज के जमाने में प्लेन तक उड़ा रही हैं ऐसे ही हमेशा से महिलाओं की कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन किया जाता रहा है बट आई एम हैप्पी टू से कि सिचुएशन धीरे धीरे ही सही पर चेंज हो रही है जैसे हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट माननीय द्रौपदी मुर्मू भी एक महिला हैं और भारत की हिस्ट्री में पहले भी ऐसी अनेक महिलाएं रही हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम ये प्रूव किया है की वुमेन आर नो लेस देन मैन जैसे लक्ष्मी बाई सावित्री बाई फुले सरोजनी नायडू कल्पना चावला और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा इवन प्रेजेंट सिचुएशन में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सभी वुमेन कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी वुमेन ही है और मुझे नहीं लगता की कोएट कॉलेज से वुमेन कॉलेज किसी भी मायने में कम है ये एक अच्छी बात है कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चल रहा है बस अब हमें जरूरत है तो कुछ लोगों की सोच बदलने की वेलकम बैक टू प्रोग्राम एयर नेक्स्ट आज हम जेडीएमसी की छात्राएं है। जुड़ी हैं आपके साथ नारी सशक्तिकरण के विषय में बात करने के लिए तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिससे आप लोग सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है तो गरिमा आप बताइए मैं अरुणिमा सिन्हा से इंस्पायर हूँ साक्षी भले ही वो शरीर से दिव्यांग थी लेकिन हौसलों से नहीं शरीर के साथ ना देते हुए भी उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सही कहा गरीमा तो सुचिता अभी तुम बताओ मेरे लिए मैरी कॉम एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मैंने जब उनकी मूवी देखी तो उसमें दिखाया गया क्या क्या स्ट्रगल्स उन्हें देखने को मिले और वो तब भी नहीं हारी इसलिए वो मेरी सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है सही कहा सुचिता तुमने तो मैंने भी देखा कैसे फैमिली का साथ ना देते हुए भी वो इस मुकाम तक आज पहुंच पाई तो रतिका आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरी मॉम है जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया कभी मुझे पीछे नहीं गिरने दिया हमेशा हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहे हैं और मैं लास्ट में ये चीज़ बोलूँगी मेरी मम्मी के लिए कि वो सबसे बेस्ट हैं सही कहा रितिका तुमने हर किसी की माँ उसके लिए इंस्पिरेशन है तो अक्षिता, अब तुम बताओ, तुम बताओ किससे इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड हो मैं कल्पना चावला से बहुत साक्षी जैसा कि हमें पता है कि वो भारत की पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी और भारत का नाम रोशन किया था ठीक कहा अक्षिता तुमने कल्पना चावला भी पूरे विश्व के लिए ही एक इंस्पिरेशन है और अगर मैं बात करूँ अपनी तो मैं पर्सनली लक्ष्मी बाई से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ जैसे अभी भी कहा जाता है कि आज की नारी ऑफिस घर संभाल रही है ऐसे उन्होंने भी अपने बच्चे को संभाला और साथ ही साथ युद्ध के मैदान में अंग्रेजों का सामना किया तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो हमने आज वुमेन एम्पावरमेंट के विषय पर बात की तो मुझे भी यही लगता है की देश और दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना जरूरी है खुद में बदलाव लाने की जरूरत है खुद की सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है इसकी शुरुआत हमें अपने ही घर से करनी होगी तभी हम देश को बदल पाएंगे सो so, इसी के साथ एयरनेक्स्ट के इस अंक से अब मेरे साथी और मैं आपसे विदा लेना चाहेंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार एयरनेक्स्ट